बीमारी, अंधविश्वास या कुछ और, जब नाचते नाचते मर गए 400 लोग। यह बात 505 साल पहले फ्रांस में एक अजीब बीमारी के चलते 400 लोगों की मौत हो गई। इस बीमारी में लोगों ने अचानक से नाचना शुरू कर दिया। वे तब तक नाचते थे जब तक उनका शरीर काम करना बंद न करता या फिर उसकी मृत्यु ना हो जाए। क्या थी यह बीमारी और क्या थी इसके पीछे की वजह, चलिए जानते हैं इस बीमारी को विस्तार से। आज से 505 साल पहले यानी 1518 में फ्रांस के स्टर्सबर्ग शहर में एक ऐसी विचित्र घटना घटी जिसने लोगों को होश उड़ा दिए। एक अनजान बीमारी के कारण शहर के कुछ लोगों ने अपने घर से बाहर निकलकर अचानक नाचना गाना शुरू कर दिया। वे तब तक नाचते थे जब तक उनका शरीर काम करना बंद न कर दे या जब तक उनकी मृत्यु न हो जाए। इस तरह लोगों के मरने का सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन इसके बावजूद इसके इस बीमारी को फैलने के कारण आज तक पता नहीं लग सका है। लेकिन जब भी इस बीमारी का जिक्र होता है तो इसे फ्रांस में हुई इस घटना से जोड़कर देखा जाता है। तो क्या थी वो घटना, चलिए जानते हैं विस्तार से। करीब 14 जुलाई 1518 जब फ्रांस के स्टर्सबर्ग में रहने वाले फाउ टॉफी नामक एक महिला अचानक अपने घर से बाहर निकलकर नाचने लगी। हैरानी की बात थी कि जब ये महिला नाच रही थी तो न कोई गाना बज रहा था न कोई गाना गा रहा था, महिला बस अपने ही धुन में नाचे जा रही थी। एक बात और इससे काफ़ी विचित्र थी कि नाचते समय फाउ के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न ही वह हंस रही थी न ही वह रो रही थी, वे बेसुध होकर नाच रही थी। तब फाउ की इस हरकत को देखकर कई लोग घर से बाहर निकल गए। वे हैरान होकर उसका डांस देख रहे थे। उन्हें लगा फाउ शायद नशे में इसलिए नाच रही है, तो कुछ लोग उसे पागल समझ चुके थे। हालांकि किसी के लिए भी उसके नाचने का कारण समझ पाना मुश्किल था। फाउ के पति ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन फाउ ने उसकी एक न सुनी और बस नाचती रही। फाउ सुबह से नाच रही थी, नाचते नाचते शाम हो गए, लेकिन उसका नाचना बंद नहीं हुआ। उसके शरीर के काफ़ी अंग फूल गए थे, लेकिन बावजूद इसके वो नाच रही थी। तभी अचानक वे बेहोश होकर नीचे गिर गई। पति भी उसे उठाकर घर ले गया, लेकिन ये क्या, अगले दिन सुबह उठते ही उसने फिर से नाचना शुरू कर दिया। ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस नाचती ही गई। इस तरह नाचते नाचते उसे 2-3 दिन बीत गए। जब उसके पति को उसकी चिंता होने लगी तो उसके इलाज के लिए वो डॉक्टर के पास ले गया। उधर फाउ की तरफ 34 लोग भी इस तरह अचानक से नाचने लगे थे। जब इस बात का पता शहर में चला तो इस बीमारी को डांसिंग प्लेग का नाम दे दिया गया। कई लोगों को हुई इस बीमारी से मौत। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त महीने तक नाचने वालों की संख्या 100 पार हो गई थी। कहा जाता है कि यह एक तरह का इन्फेक्शन था जिसके कारण लोग बेवजह नाच रहे थे। इस केस में लोग डांस करना शुरू कर देते थे और वे रुकते नहीं थे जब तक कि उनका शरीर काम करना बंद ना कर दे या उनकी मौत ना हो जाए। इस तरह की घटना लगातार बढ़ती जा रही थी, नाचने वाले लोगों की संख्या बढ़ती ही गई। कई दिन कई लोग इस कारण गंभीर रूप से बीमार हो गए तो कई लोग इससे मौत हो गई। जब इस घटना के कारण 15 लोगों की मौत हो गई तो प्रशासन इसे गंभीरता से लेना शुरू किया। पहले तो डॉक्टरों को लगा कि यह किसी तरह की नेचुरल बीमारी है, शरीर में ब्लड टेम्परेचर बढ़ने से यह हो रही है। डॉक्टरों ने भी अपनी थ्योरी दे दी, लेकिन नाचने वालों की संख्या इतनी बढ़ती जा रही थी कि एक एक इंसान को ठीक कर पाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। नहीं खत्म हुआ यह मौत का सिलसिला। ऐसे डॉक्टर ने सुझाव दिया कि लोगों को ऐसे ही नाचने दिया जाए, जब तक उनका बॉडी टेम्परेचर कम ना हो जाए तो वे नाचना बंद कर देंगे। इस तरह के मरीज के लिए एक अलग तरह की व्यवस्था की गई। इस खाली जगह को डांस फ्लोर में तब्दील कर दिया गया। कुछ डांसर को भी रखा गया जो उनके साथ डांस करे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि मरने वालों की संख्या और ज़्यादा बढ़ने लगी। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक फिर कुछ लोगों ने इस घटना को अंधविश्वास से भी जोड़ना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि सेंट वाइट्स के श्राप के कारण यह हो रहा है। दरअसल कई सदियों पहले सेंट वाइट्स नामक एक संत थे जिन्हें फ्रांस के लोग काफ़ी मानते थे। मान्यता यह थी कि सेंट वाइट्स नाच गाकर लोगों के अंदर की बीमारियों को वे ठीक करते थे। लोगों ने फिर इस बीमारी को ठीक होने का नया तरीका खोज निकाला। वे डांस करने वाले लोगों को सेंट वाइट्स के प्रार्थना रूम में ले जाने लगे, उनके हाथ में क्रॉस देकर डांस करवाने लगे, साथ ही उनके ऊपर होली वाटर भी छिड़कने लगे। चाहे इसे अंधविश्वास का है या कुछ और, लेकिन इससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा, कई लोग इससे ठीक होने लगे। हालांकि कई लोग इस प्रक्रिया के बिना ही हालत में सुधार आया। वैज्ञानिकों की थ्योरी अब सामने आ रही है। खैर जो भी हो, यह बीमारी 2 महीनों तक चली और 400 लोग को इससे अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन तब यह आज तक कई वैज्ञानिकों ने इस पर अपनी थ्योरी दी। वैज्ञानिकों का मानना था कि लोगों को अंदर यह बीमारी इग्रेट फंगी टॉक्सिस या कारिसोनिक रिएक्शन के कारण हुई, यानी यह बीमारी फूड पॉइजनिंग के कारण हुई। दरअसल इग्रेट फंगी गेहूँ और मक्के जैसे अनाज के फसलों में होते हैं। जॉन वॉलर्ट की थ्योरी। इस तरह के फंगस दिमाग में जाकर ड्रग्स की तरह क्या करते हैं, उस पर असर करते हैं, जिससे लोगों के अंदर हेलुसिनेशन यानी कि भ्रांति होने लगती थी। वे खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, ऐसे में मरीज की बॉडी भी रिएक्ट करती। हालांकि इस थ्योरी का फेमस लेखक जॉन वॉलर ने पूरी तरह गलत बताया। उनका कहना था कि जिस इलाके में ये सब शुरू हुआ वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी थे। काफ़ी समय से वहाँ के लोग भूखमरी और सूखे से जूझ रहे थे, जिसके कारण
उन्हें एक मानसिक विकार ने घेर लिया। इस कारण वे लोग इस तरह की हरकत कर रहे थे जिसका खुद भी उन्हें अंदाजा नहीं था। ये अंदाजा नहीं था कि वे क्या कर रहे हैं। बता दे, जॉन ने इस पर एक किताब भी लिखी जिसका नाम है ए टाइम टू डांस, ए टाइम टू डाई। उन्होंने इस पर एक और किताब भी लिखी, द डांसिंग प्लेग, द स्ट्रेंज ट्रू स्टोरी ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इलनेस। तो आशा करता हूँ आपको ये डांसिंग प्लेग के विषय में जानकर काफी अच्छा लगा होगा। अगर आप नए हैं तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।